मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के 16 पेशेंट मिले हैं, इसमें 6 बच्चे भी हैं। ओमिक्रॉन का BA.2 स्ट्रेन सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। BA.2 से संक्रमित पेशेंट के फेफड़ों में 5% से 40% तक का इन्फेक्शन मिला है। अरविंदो अस्पताल में एडमिट 17 साल के संक्रमित के लंग्स 40% तक इन्फेक्टेड हैं। 2 पेशेंट ICU में हैं। डॉक्टर खुद चिंता जताने लगे हैं क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में अब तक संक्रमण फेफड़ों पर असर नहीं कर रहा था, लेकिन अब ऑक्सीजन लगाने के साथ मरीजों को एडमिट करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शैक्षिक उपलब्धि की श्रेणी में इंदौर के लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षक मास्टर अभि शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंदौर के NIC कक्ष में उपस्थित इस बालक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर मनीष सिंह सहित और अभि शर्मा के परिजन भी उपस्थित रहे। पर्यटन नगरी मांडू में फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग 25 जनवरी से शुरू होगी। यहां पर ऐतिहासिक इमारतों के बीच फिल्म से जुड़े एक गाने को फिल्माया जाएगा। अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान महेश्वर में शूटिंग खत्म होने के बाद यहां पहुंचेंगे। शूट के लिए लोकेशन पहले ही फाइनल हो चुकी है। यहां पर एक दिन का ही शूट का प्लान है। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म लुका छुपी 2 की 22 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शूटिंग चल रही है। इंदौर और उज्जैन के अलग अलग शूट खत्म कर टीम अब महेश्वर पहुंची है। इंदौर में फेसबुक व व्हाट्सएप पर अब किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है। यहां पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। इस आदेश के तहत फेक न्यूज फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश में गे डेटिंग एंड वीडियो चैटिंग ऐप से सेक्स टॉर्शन का मामला सामने आया है। ब्लूएड नाम का यह ऐप इंटरनेशनल लेवल का है और दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। पकड़े गए आरोपी इस ऐप पर प्रोफाइल बनाकर समलैंगिक युवाओं को सुनसान जगह बुलाते और रिलेशन बनाते थे, फिर उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। वीडियो वायरल होने की धमकी देकर रुपए ऐंठते। इस मामले में 2 लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।